शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि निर्वाचन आयोग किसी पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं। उद्धव ठाकरे ने विदर्भ क्षेत्र के दौरे के बीच अमरावती जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उद्धव ने कहा कि शिवसेना नाम उनके दादा ने दिया था और वो इसे किसी को नहीं लेने देंगे। इस बयान को सुनिए। पहले राजनीति में पक्ष पार्टी तोड़ना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब पार्टी चुराने लगे हैं और उस पार्टी पर दावा बोलने का एक समय शुरू हो गया है जो गलत है। जैसे मेरे पार्टी के बारे में शिवसेना, ये नाम मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने दिया था, वो नाम तो मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। वो नाम देना इलेक्शन कमीशन का अधिकार ही नहीं है। चुनाव चिन्ह देना या नहीं देना वो उनका अधिकार है, लेकिन पार्टी का नाम वो नहीं दे सकते। तो पार्टी का नाम तो मेरा ही है और वो मेरे पास ही रहेगा। अगर इलेक्शन कमीशन चाहते हैं तो यहाँ आकर लोगों के साथ बात करके देखें, लेकिन मेरे पार्टी का नाम वो नहीं दे सकते, पार्टी का नाम वो नहीं बदली कर सकते, वो उनका अधिकार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर चुनाव के दरमियान जितनी सारी बातें हैं, हम नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सारी बातें देखना उनका काम है। पार्टी का नाम बदलना उनका काम नहीं, नहीं तो हम उनका नाम बदली कर सकते हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। निर्वाचन आयोग ने इस साल फरवरी में शिवसेना नाम और उसका पार्टी चिन्ह धनुष और बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को आवंटित किया। आयोग ने ठाकरे गुट को शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और मशाल चुनाव चिन्ह को बनाए रखने की अनुमति दी, जो उसे राज्य में विधानसभा उपचुनावों के समाप्त होने तक एक अंतरिम आदेश में दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।